चलिए आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में कुरकुरी भिंडी की। और कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और सबसे पहले भिंडी को हम लंबा लंबा काट लेंगे, लेकिन हमें पतला काटना है। लंबा काटे चौड़ा काटे चलेगा, लेकिन बीच में से फाड़ें, लेकिन पतला होना चाहिए। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमें पतला काटना है ताकि वो आसानी से फ्राई हो सके। इस तरीके से हम काट लेंगे, और इसमें हमने बेसन डाला। बेसन डालेंगे इसमें हम 4 टीस्पून, करीब करीब 80 ग्राम बेसन पड़ेगा इसमें। कॉर्नफ्लोर भी इतना ही पड़ेगा, 80 ग्राम। ये देखिए कॉर्नफ्लोर डाला, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, करीब करीब 5-5 ग्राम। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अब इसमें पानी के छींटे मारेंगे। और ये जो भिंडी हमारी, ये करीब करीब 500 ग्राम है, लेकिन फ्राई होने के बाद ये बचेगी 200-250 ग्राम। ये देखिए पानी के छींटे मारे, इस तरीके से पानी की छींटे मार लेना है। छींटे मारने, एक साथ पानी नहीं डालना है, चिपक जाएगी। और इसको मिलाते रहना। और चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। और इसको इसको मीडियम ऑयल पे फ्राई करने, ज़्यादा फास्ट पे नहीं करना है। और इस तरीके से हमारी फ्राई हो जानी चाहिए। देखिए अब इसमें सिर्फ हमें चाट मसाला डालना है और सर्व करना है। ये हमारी भिंडी रेडी, हल्का सा चाट मसाला डालेंगे और भिंडी को हम सर्व करेंगे। तो इस तरीके से हम कुरकुरी भिंडी बना सकते हैं। ये देखिए, और ये राजस्थानी डिश है, काफ़ी टेस्टी लगती, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को आप लोग अपडेट मिल जाएगा। और आप लोग लिंक पंजाबी ग्रेवी मखनी, जो आप लोगों को बहुत डिमांड था, और येलो ग्रेवी चॉप मसाला जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।